जय मसीह मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं कवर ऑयल प्रीस्ट। तो आज हम इस दिन बात करने वाले अननोन ईयर्स ऑफ जीसस, यानी यीशु मसीह के लापता हुआ साल। हमें पता है कि बाइबल यीशु मसीह को 12 साल के बालक करके दिखाता है, उसके बाद बंद होकर सीधा खोलता है जब यीशु मसीह का उम्र होता है 30। लेकिन उस बीच में 18 साल क्या हुआ किसी को कुछ भी पता नहीं है। हिस्ट्री में कुछ भी ट्रेस, कुछ भी एविडेंस नहीं है। लेकिन हिस्ट्री में बताना बहुत सारे अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा सा मतलब एक माइन्यूट एविडेंस, कुछ कुछ बहुत सारे एविडेंस है उसको रखे उन्होंने बोलते 18 साल में क्या हुआ। बहुत सारे प्रेडिक्शन, बहुत सारे प्रेडिक्शन रखा है। उसमें से 3-4 प्रेडिक्शन बोलता है कि यीशु मसीह इंडिया में आया। वो 3-4 में से मैं आपको एक बताना, पूरा नहीं, उसमें से 3-4 में से मैं आपको एक प्रेडिक्शन आपको बताने वाला हूँ, जिसमें बोलता है कि यीशु मसीह इंडिया आया, इवन पाकिस्तान आया, इंडिया आया, फिर बिहार, ओडिशा सब में रह के गए, सब एक वर्ष में बोलता है। वो वर्ष में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आज अपना इंडिया का एक स्पेशल डे है। तो लगा ठीक है, आज कुछ ऐसे देश के लिए कुछ वीडियो बनाएंगे, इसलिए वीडियो बनाऊँ, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और एक बोल देता हूँ, ये जो है बस प्रेडिक्शन जो है मैं आपको सामने रखा हूँ, ऐसा बोल रहे ये ऐसा ही ये पक्का है करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट प्रेडिक्शन। और वीडियो में बेसिकली हम लाइक दो चीज़ देखने वाले। एक पहला चीज़ जो है ये बोलते 95% प्रूवन है ऐसे हुआ करके, ऐसे हुआ है करके एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन सब लोग, इवन आई टू अग्री इन दैट। वो मैं आपको बताऊँगा वो क्या करके। फिर हम आएंगे वो जब यीशु मसीह इंडिया है ना, वो हिस्ट्री प्रेडिक्शन को देखने वाले। तो वीडियो का लास्ट तक देखते रहिए, तो वीडियो के एंड में पोएम भी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर यहाँ पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सारा तो चार वीडियो रात रहता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। मैं तो पहला बात करते हैं जिसमें बहुत जन एग्री करते हैं, ठीक है। एक मतलब जूडाइज्म का एक ट्रेडिशन है जहाँ पे ना एक लड़का ना 13 साल के बाद ही वो अपने कर्मों के लिए, अपने कार्य के लिए खुद अकाउंटेबल लेता है। मतलब जब तक वो 13 साल का नहीं बनता, वो जो भी अच्छा बुरा जो भी करता है वो सबका बोलते हैं सबका क्रेडिट जाता है उसके माँ बाप को जताता है। लेकिन 13 साल के बाद कैसा होता है कि उसको बोलते मिट्सवा। उस ट्रेडिशन के हिसाब से बोलते हैं ना, 13 साल के बाद एक लड़का अपने कर्मों के लिए वो खुद से अकाउंटेबल बनता है। तो बोलते हैं कि तो मोस्ट अभी क्या जीसस भी एक बहुत सा जुड़ा रहे, तो बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ अगर जीसस कुछ किया रहेगा ना, अगर वो अपने पेरेंट्स से बुझे बाहर गए, वो बाहर गया रहेगा तो भी 13 साल के बाद ही गए रहेंगे, क्योंकि उस 13 साल के बाद ही बोलते ना उनको खुद को खुद से कुछ करने का मतलब एक अकाउंटेबिलिटी मिलता है। तो इसके लिए यीशु मसीह मोस्ट ऑफ अगर बाहर कुछ गया रहेगा तो, अगर बाहर कंट्री में पढ़ने गया रहेगा तो 13 साल के बाद ही गया रहेगा, उसके पहले नहीं गया रहेगा बोलते, बिकॉज इट्स अ ट्रेडिशन फॉलोड बाई जूडाइज्म। इवन मुझे भी लगता है ठीक है फैक्ट है। तो और एक है कि बोलते हैं कि बाइबल बोलता है ही वाज अ कारपेंटर, मतलब लोग उसको देख के बोलते हैं कि ही वाज अ कारपेंटर, मतलब उसने अपना एक जूडा में अपना एक बिजनेस उसने इस्टेब्लिश किया था। तो ऑफकोर्स उसने बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए कम से कम उसे 1 साल तो है ना, तो बोलते हैं कि तो कम से कम अगर यीशु मसीह बाहर भी गए रहेंगे तो कम से कम यीशु मसीह उसके 29 के ईयर में तो पक्का इज़राइल को आए रहेंगे, तभी उसने बोला एक बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश किया कि वह कारपेंटर है। तो बोलते हैं मोस्ट ऑफ बोलते ना इसमें 13 उम्र और यहाँ से 29 मतलब बीच के ये ना 16 साल इसी के टाइम में कुछ हुआ रहेगा जो हमको पता नहीं है। तो उसका पता नहीं जो बोलते हैं उसका प्रेडिक्शन अभी हम देखने वाले, जहाँ पे बोलते हैं इंडिया में यीशु मसीह आया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, उसको अभी हम देखने वाले। ये चालू होता है कभी 1987 में। 1987 में क्या होता है कि रशिया में एक वॉर आता है। तो उस समय में रशिया का एक बंदा, उसका नाम क्या है, नोटाविच, हाँ उसका नाम नोटाविच है। वो बंदा क्या बोलते हैं,
रशिया का वॉर चल रहा था उस समय में, वहाँ से रशिया से निकल कर ये हमारा इंडिया कश्मीर में आया, कल लड़ाख, अभी जो प्रेजेंटली लड़ाख, लड़ाख में आके स्टे किया कुछ सालों के लिए, ठीक है। तभी वो क्या बोलते हैं, उस समय में वो लड़ाख में एक उधर एक उसको उसने एक बुक पढ़ा, बुक में बोलते थे अभी बोलते थे स्क्रॉल पढ़ा, स्क्रॉल स्क्रॉल का नाम क्या है, लाइफ ऑफ सेंट ईसा बेस्ट ऑफ सन्स ऑफ मैन। ईसा यानी अरबिक जीसस का अरबिक वर्ड है, ठीक है। और इसे क्लेम करता है कि मैंने ऐसे लड़ाख में एक बुक पढ़ा लाइफ ऑफ सेंट ईसा, ठीक है। वो बंदा बोलता है कि आफ्टर कमिंग टू बैक टू रशिया, वो बंदा बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दैट लिटरेचर यीशु मसीह पहला इज़राइल से निकल कर सिंध आया। सिंध, सिंध किधर है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सदर्न पार्ट में सिंध है, ठीक है। उस सिंध में आया, और ये सिंध सिंध और पंजाब बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि यीशु मसीह पाकिस्तान के रास्ते से आया सिंध में, फिर सिंध से गुजर कर पंजाब आया, फिर पंजाब से निकल कर यीशु मसीह गए पूरी जगन्नाथ में, पूरी जगन्नाथ किधर, ओडिशा में, आज को अभी पूरी जगन्नाथ एक आई थिंक सिटी है, वो आए पूरी जगन्नाथ में ओडिशा में। तो ओडिशा में कुछ सालों या कुछ महीने, आई थिंक हाँ कुछ महीने कुछ सालों तक रह के वो ब्राह्मण या ब्राह्मीण प्रीस्ट के साथ ऐसा क्लेम करता है, ठीक है। वो पहला सिंध से गुजर कर पाकिस्तान से होकर पंजाब में होकर इसमें से आकर पहुँचा ओडिशा में। ओडिशा में बोलते हैं कि ओडिशा में ब्राह्मीण प्रीस्ट के साथ यीशु मसीह वेदास पढ़ा। कंट्रोल कंट्रोल उदय, ठीक है, बस प्रेडिक्शन है, ठीक है। वेदास पढ़ा, उसके बाद बोलते हैं कि उसके बाद बोलते हैं कि वो ओडिशा से निकल कर वो आया बिहार, बिहार में राजगीर, राजगीर करके एक जगह में, राजगीर के सिटी में यीशु मसीह 6 साल था, वहाँ पे वो पढ़ा हिंदुइज़्म। यीशु मसीह 6 साल हिंदुइज़्म पढ़ा करके वो बंदा क्लेम करता, ठीक है। ओडिशा में ब्राह्मण के बाद वेदा पढ़ा, क्या पढ़ा, वेदास कुछ सालों या महीनों के लिए ब्राह्मण प्रीस्ट के बाद। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि यीशु मसीह किधर आया, बिहार में राजगीर करके एक स्टेट है, आई मीन एक कंट्री एक सिटी है, वहाँ पर आके स्टे करके यीशु मसीह 6 साल के लिए हिंदुइज़्म पढ़ा, ऐसा क्लेम करता है। उसके बाद बोलता है कि 6 साल होने के बाद यीशु मसीह सीधा पहुँचा टिबेटन मोनेस्ट्री, यानी ये मतलब टिबेट और हिमालय जो बॉर्डर है हिमालय में बहुत साल यीशु मसीह ने गुजरा, किसके पास, बुद्धा, ठीक है, सह लेंगे थोड़ा सा। बोलता है कि 6 साल बिहार में पढ़ने के बाद यीशु मसीह हिमालय में बहुत सारा साल बिताया। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, बुद्धिज्म पढ़ते हुए, ठीक है। कुछ मॉन्क के नहीं, कुछ मॉन्क बुद्धा के डिसेबल के पास बैठ के बुद्धा, हाँ बोलता है कि सिंपली बोलता है कि वो उसने बुद्धिज्म पढ़ा हिमालय में रह के, कहाँ पे, टिबेटन मॉनेस्ट्री हिमालय के बॉर्डर में माउंटेन रेंज में रह के यीशु मसीह बुद्धिज़्म पढ़ा करके बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि बुद्धिज़्म पढ़ने के बाद यीशु मसीह निकले पर्शिया के रूट से, जीसस फिर से इज़राइल को 29th एज में आके पहुँचे। वैसा वो लिटरेचर बोलता है करके ये जो बंदा है नोटाविच इसने क्लेम किया, ठीक है। समझ रहे हो ना। अभी इसने बड़ा बुक लिख के उसने भाई साहब ने पब्लिश कर दिया। इसके बाद आता है बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो बोलते ना मतलब उस समय में कुछ भी प्रूफ था ही नहीं अल्ट्रासाउंड में क्या हुआ, लेकिन एक बंदा अचानक से क्या बोल रहा है कि यीशु मसीह इंडिया में तक करके ऐसे बोल रहा है, तो किसी के विश्वास नहीं हुआ। तो बोलते ना बहुत सारे स्कॉलर्स ने फॉर क्रॉस वेरीफाइंग, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक बंदा है, एक उसका नाम है मैक्स मिलर, ठीक है। मैक्स मिलर ने क्या किया, नोटाविच ने क्या बोला, वो लड़ाख में मतलब प्रेजेंट लड़ाख उस समय का हिमास, उस समय का कश्मीर हेमिस डायनेस्टी में था उस समय पढ़ा। तो ये क्या, ये जो बंदा है मैक्स मिलर, उसने क्या बोला, इसने वो बोलते ना हेमिस डायनेस्टी को उसने एक लेटर भेजता है,
आप हम लोग को बोले जी बोलिए कि पिछले 15 साल के अंदर, मतलब 1887 के आसपास नोटा विच एक बंदा आपके जगह पे आया क्या नहीं, वैसे उसने पूछे बोला, ठीक है। तो फिर से उसका लीडर लीडर का नाम है हेड लामा, हेड लामा उस समय उसका लीडर है, उसने बोला पिछले 15 साल में नोटा विच करके कोई सा भी एक बंदा हमारे हमारे अंदर हमारे डायनेस्ट में आया करके रिकॉर्ड है ही नहीं, ऐसे आया नहीं करके बोला। मतलब यहाँ पे प्रूव हो गया कि ये जो बंदा है बोला कि नोटा विच, उसने क्लेम किया कि मैं इंडिया के लड़ाक में था, लेकिन वो लड़ाक के जो पीपल लीडर जो बोलते हैं, लीडर को जो बोलता है कि वहाँ के ट्रैवल हिस्ट्री में एक भी बंदा नोटा विच करके कोई भी यहाँ पे आया रहे, एक भी उनके ट्रैवल हिस्ट्री में है ही नहीं, ठीक है। इसने बोला फिर भी शायद से झूठ बोले करके और एक बंदा है, उसका नाम है अर्चिबाल्ड डोगलास क्या किया, वो खुद सामने गया, मैक्समिलियन ने क्या किया, एक उनको एक लेटर लिखा, लेकिन ये जो अर्चिबाल्ड डोगलास इस बंदा सामने खुद जाके पूछ के आएगा कि ये बंदा नाम है नोटिस करके सच्ची आया क्या नहीं। उसने पूरा डेटा खोल के उसको बता दिया, लेकिन उनके हिस्ट्री में एक भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है करके जहाँ पे नोटिस एक बंदा रशिया से आया यहाँ पे स्टे किया करके, कुछ भी एविडेंस नहीं है। तो इसको देखकर और बहुत सारे लॉजिक एंड फैक्ट्स को रख के उस समय के बहुत सारे स्कॉलर्स ने सीधा इसके इस थियरी को डिबंक कर दिया, बोल के कि ये जो बंदा झूठ बोल रहा है, इसका एक भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है करके लड़ाक गया, एक भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, प्लस ये जो बोल रहा है सब बोला इंडिया में आया, उसके कुछ भी एविडेंस नहीं है अभी। तो बोलते इसमें उन्होंने सीधा बोल दिया कि ये बंदा बस झूठ बोल रहा है जस्ट फॉर फेम के लिए, क्योंकि बोलते एक मिस्टीरियस टॉपिक है, उसके ऊपर कुछ भी अपन ने कुछ बग दे तो अपन थोड़ा फेम हो जाएंगे, उससे अपन थोड़ा पैसा मिलेगा। वो बोलते हैं बंदे ने उसके लिए किया, बोलते एक मिस्टीरियस टॉपिक में अपना कुछ भी बोलते फालतू का ऐड करके लिख दिया जस्ट फॉर फेम एंड पैसा के लिए, और इनफैक्ट उसने बंदे ने पैसा और फेम कमाया भी उसके। तो बोले कि इस बंदे ने पूरा किया जस्ट फॉर एक फेम एंड पैसे के लिए, इसने एक अपना खुद का थियरी लिखा करके उन्होंने इस थियरी को डिबंक कर दिया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इतने थियरी थे कि इसमें से ये स्टेटमेंट के रह के था, लेकिन उस समय के स्कॉलर्स ने खुद ने इसको डिबंक कर दिया। इवन मैं भी इसको नहीं मानता, क्योंकि बोलते ना बंदा आया एक जगह पर, लेकिन उस जगह पर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो मतलब पक्का बंदा झूठी बोलता रहेगा, तो इसलिए पर्सनली मैं नहीं मानता इसको। तो थैंक यू, और अभी आते हैं हमारे पोएम की तरफ। सहलेंगे थोड़ा सा। यीशु मसीह इंडिया आया, पता नहीं ये सच है या कथा। यीशु मसीह इंडिया आया, पता नहीं ये सच है या कथा, लेकिन आज करोड़ों लोगों के दिल में आ गया ये मुझे जरूर है पता। आई बिलीव आपको वीडियो पसंद आ जाएगा, वीडियो को लास्ट तक देखने का शुक्रिया, एंड सबके लिए एक बड़ा सा हैप्पी रिपब्लिक डे, एंड थैंक यू। बताइए कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक यू। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।